हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज मेहरा। मैं आप लोगों के लिए एक फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर हेल्पफुल होगा घर में जो आपका पोर्टेबल प्रिंटर है उससे पासपोर्ट फोटो प्रिंट आउट लेने के लिए। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये हम देखेंगे कि किस तरह प्रोफेशनली स्टूडियोज़ में किया जाता है। वन जो पासपोर्ट साइज स्नैप होता है उसको 1:8 किया जाता है, मतलब कि 6x4 का जो पेज है उसमें 8 पासपोर्ट कैसे सेट किया जाए प्रोफेशनली। एंड देन उसके बाद आराम से हम लोग उसका प्रिंट आउट ले लेंगे अपने घर में अवेलेबल पोर्टेबल प्रिंटर से। ओके हेलो फ्रेंड्स, नाउ अब आगे क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले फोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें फाइल जो इमेज मुझे लाना है उसे मैं पहले लाता हूँ ओपन करके, फिर फोल्डर में अपना जैसे मैंने डेस्कटॉप में अपना पिक्चर रखा हुआ उसको ओपन किया। और इसके बाद इसका क्रॉपिंग करना पड़ता है अपने डिजायर्ड साइज के हिसाब से, उसको क्रॉप कर लेते हैं फिर ओके कर देते हैं। ना अब हम इसको क्रॉप करते हैं, इसको मतलब सॉरी सेलेक्ट करते हैं मार्की टूल से, रिफाइन एजेस करते हैं। उसके बाद सिट ये अभी नहीं करना था, पहले इसको सेलेक्ट से इसको मॉडिफाई करते हैं। बॉर्डर में जो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कितना भी रख सकते हैं, परंतु मैं यहाँ 35 पिक्सल्स रख रहा हूँ। ओके ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर गया अपना एरिया से। अब रिफाइन एजेस करना है, इसमें कैप कॉन्ट्रास्ट को एकदम हाईएस्ट करके, और उसके बाद जो है सो बैक स्पेस देके, कंट्रोल बैक स्पेस देके हम लोग फिल कर देते हैं इस रीजन को और फिर डिसलेक्ट कर देते हैं। नाउ फाइल से न्यू पेज हम लोगों को खोलना है जो 6x4 का, मेरे यहाँ पहले से प्रीसेट किया हुआ है। पर आप चाहें तो यहाँ नंबर्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि यहाँ 6 होना चाहिए विड्थ ऑलवेज, हाइट 4 इंचेस का, और प्रिंट आउट लेने के लिए 300 पिक्सल का जो है हमारे पास होना चाहिए रेजोल्यूशन। इसको रेजोल्यूशन को 300 पे ही सेट रखें। ओके नाउ अब एक चीज़ तो पहले छूट गया है यहाँ पे पुराने पिक्चर पे जिस पे पासवर्ड गए थे वहाँ पे, इसको पहले हम लोग डिफाइन पैटर्न में जाके है ना वो सेट कर लेते हैं इसको एक पैटर्न में। ये अब सबमिट हो गया। अब नाउ इस पेज को खोलते हैं, इसमें फिर से वही एडिट में जाते हैं। एक सेकेंड, एडिट में जाके उसके बाद फिल करते हैं, फिल में पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेरा वो डिजायर्ड पैटर्न, ओके कर देते हैं और वो एंट्री हो गया। बस हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, पर पहले इसको जेपेग में एक्सपोर्ट कर लेना होगा, जैसे कि आई थिंक सेवेज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, सेवेज में अपने इस पिक्चर का कुछ भी नाम दे दीजिए एक, मुझे मैंने इसका डियर ऐसे कोई भी एक टाइटल दे दीजिए आप। उसके बाद टाइप फॉर्मेट जो बोलते हैं फॉर्मेट जेपेग में रखिएगा। ओके सेव कर दीजिए, इसका रेजोल्यूशन को मैक्सिमम कर दीजिए। ओके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फोटोशॉप हम लोग चाहे तो बंद कर सकते हैं अब। नाउ अब देख सकते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे ये सेव हो चुका है, ये पिक्चर अब डायरेक्ट प्रिंट के लिए तैयार है। हम लोग चाहें तो अब यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट मार सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरा फोटो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ओके थैंक यू।